तो आइए 2018 की एक्सरसाइज देखते हैं। इसके पहले हम 17 तक पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं आए थे कल या नहीं पढ़े हैं वो वीडियोस देख सकते हैं, चाहे तो सर्च करके पूरा देख सकते हैं। उसके बाद जो है 18 का देखेंगे, अब 19 फिर 20 पूरा कंप्लीट करेंगे जितने बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्ले। वह अपना काम पूरा किया, वह खेलने चला गया। तो इसको बताया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा? इसमें आराम से कर दोगे हैविंग ही हटा के हैविंग कर दो, फिनिश्ड हिज वर्क कामा ही वेंट टू प्ले, अपना काम समाप्त करके वह खेलने चला गया, यह इसकी हिंदी होगी। क्योंकि काम पहले तरह वाला पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, समय भी लग रहा है, तब दूसरा काम किया जा रहा है, तो ऐसे में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है, ठीक। तो कारण भी हम बताते जा रहे हैं। दूसरा देखिए, ही वॉज नॉट ए पुलिसमैन, ही वॉज नॉट ए थीफ। तो कंपाउंड बनाना है, तो अब वो अब चोर भी नहीं है, पुलिसमैन भी नहीं है, तो नाइदर नार से बन जाएगा। यहाँ ही वाज नॉट की जगह लिख दो नाइदर, ठीक है, एन ई आई टी एच ई आर। ही वाज नाइदर ए पुलिसमैन, फिर ही वाज नॉट हटा के नार कर दो, नार ए थीफ। ही वाज नाइदर ए पुलिसमैन नॉर ए थीफ, हो जाएगा वह ना तो पुलिसमैन ना ही चोर था, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, आई हैव फाउंड द बुक, आई हैड लॉस्ट इट। मैं किताब पा गया हूँ, मैं इसे खो दिया था। तो इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स। आई हैव फाउंड द बुक के बाद आपको कर देना विच, उसके बाद आई हैव लॉस्ट इट हटा देना लास्ट में, और कुछ नहीं करना है। कि इसका अर्थ होगा मैं वह किताब खो दी, मतलब पा गया जो मैंने खोया था, जो या जो की अंग्रेजी विच होता है, ठीक, कई में से एक कोई एक बताने के लिए। बस तो के लिए विच लगता है, सिलेक्शन का भाव प्रकट करने के लिए विच लगता है। राम रेज्ड द गन, ही टू केम, ही शूट द टाइगर। तो सिंपल बनाना है, तो इसको ऐसे कहोगे हैविंग से बने गए पार्टिसिपल के द्वारा, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, ऐसे होगा हैविंग रेज्ड द गन, उसके बाद यहाँ एंड लगा दोगे, गन के बाद एंड टेकन एम हो जाएगा, क्योंकि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसी से एंड से जोड़ा तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म हो। हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन एम कामा, अगला वाक्य लास्ट वाला सेम टू सेम रहेगा, ही शूट द टाइगर। अर्थ होगा बंदूक उठा करके और निशाना लगा करके वह चीते को मार दिया, बाघ को मार दिया, ठीक, टाइगर मिस बाघ। तो इस तरह से एक काम के बाद पूरा होने के बाद ही दूसरा काम किया जा रहा, समय लग रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। हाँ, दो वाक्य में दो मेन वर्ब है, तीन वाक्य है तीन मेन वर्ब है, तो दो मेन वर्ब को हम हैविंग के साथ जो है थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक। और ये दोनों पार्टिसिपल फ्रेज होंगे, इसलिए एंड से हम आराम से जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते एंड से ना, वर्ब को नहीं, मेन वर्ब को नहीं जोड़ सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, लेकिन फ्रेज को हम जोड़ सकते हैं, ठीक, इसलिए एंड से जोड़ दिया जाएगा। हैविंग रेज द गन एंड टेक ए नेम ही शूट द टाइगर, अब बंदूक उठा करके निशाना लगा करके वह बाघ को मार दिया। टेक एम माने होता है निशाना लगाना, देश बनाना। अब देखिए, सॉरी यहाँ लास्ट वाला ही जो है, यहाँ ध्यान ये देना कि आप यहाँ राम लिख देना अगर आप नहीं लिखते हो, क्योंकि राम यहाँ से शुरू से हटेगा, हैविंग रेज द गन एंड टेक ए नेम, तो ये राम जो है ही की जगह आ जाएगा। चलिए आगे, क्योंकि राम पे हम ध्यान नहीं दिए, अगर आप भी नहीं ध्यान दिए हो तो लास्ट में ही की जगह राम ही लिखा जाएगा। अगला है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। ही इज वेरी पंचुअल, वह बहुत समयनिष्ठ है। ही स्टडीज इन 12th क्लास, वह 12वीं क्लास में पढ़ता है। तो इसको जब आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे तो देखिए तीन वाक्य है, पहले आप सोच लीजिए, राम बुद्धिमान लड़का है, बहुत समयनिष्ठ है, वह कक्षा 12 में पढ़ता है। तो आप इसको आराम से ऐसे कर दीजिए, राम यहाँ इज हटा के कामा लगा दीजिए, क्योंकि राम की पोजीशन बताने के लिए या उसकी विस्तार करने के लिए जो जो शब्द आए उसको उसके बगल कामा हम लिख देंगे। आप एक राम एन इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद यहाँ वेरी पंचुअल भी उसको कहा गया है, ठीक, एंड वेरी पंचुअल भी कर दीजिए, राम एन इंटेलिजेंट, क्योंकि दो विशेषता है ना, पंचुअल भी, यहाँ एंड लगा दीजिए, एंड फिर वेरी पंचुअल लगा के तब जो है बॉय करेंगे, एंड वेरी पंचुअल बॉय। पंचुअल माने होता है समय निष्ठ, जो हर काम अपने समय पे करे उसको पंचुअल कहते हैं, जैसे पंचुअल से पंचुअलिटी है बनी है, समय निष्ठता, समझ गए कि नहीं।
मतलब कहते ना अपने काम के लिए कि हमेशा पंचुअल रहते हैं, मतलब हर आप जैसे स्कूल पे एकदम राइट टाइम पे आ रहे हो, जितना टाइम आना चाहिए तो पंचुअल हो, ठीक, और समय से जाके बिजनेस कर रहा, दुकान खोल रहा है, समय तक रह रहा है, तो वो पंचुअलिटी उसके अंदर है, ठीक। तो राम एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय, उसके बाद कामा करके हम लिख देंगे स्टडीज इन ट्वेल्थ क्लास। राम एक बुद्धिमान और बहुत समयनिष्ठ लड़का 12 में पढ़ता है, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है माई नीस प्रैक्टिसेज ला, मेरी नीस मिस भतीजी, मेरी भतीजी प्रैक्टिसेज ला, ला की प्रैक्टिस करते, सीज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, वो अपना रिसर्च वर्क काम कर रही है। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इसमें करना क्या, माई नीस हु लग जाएगा यहाँ, WHO, मेरी भतीजी हु प्रैक्टिसेज ला, जो ला का प्रैक्टिस करती है, व्यक्ति के लिए हु लगता है ना, हु लग जाएगा। उसके बाद जो है सी अब यहाँ हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हु लग गया है, जो करती है मतलब वह करती है, तो यहाँ ला के बाद कामा लगा सकते हैं आप, थोड़े से रुक के करने के लिए। इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क से जोड़ दिया जाएगा, सी हट जाएगा, सी एक जगह कामा लगा सकते हो, उसके बाद सब कुछ वैसे जोड़ते चले जाओ, कि दो क्लाज होना चाहिए, माइनिस इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क एक ये हो गया, और हु प्रैक्टिसेज ला आपका एक एडजेक्टिव क्लाज बन गया, तो ये जिसमें कंजक्शन है एडजेक्टिव है, बाकी प्रिंसिपल है, तो दोनों क्लाज मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आराम से बना देंगे। ही इज रिच, वह अमीर है। ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन बिताता है। तो इसमें क्या है कि विरोध थोड़ा प्रकट हो रहा था, इसलिए 8 लगा दीजिए। ही इज रिच, वह अमीर है, 8 ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, फिर भी वह साधारण जीवन बिताता है। 8 लगा सकते हो, बट से भी जोड़ सकते हो, बट लेकिन वह साधारण जीवन बिता, दोनों कर सकते हो, बट 8 स्टिल हाउएवर, ठीक, ये सभी कर सकते। अगला वाक्य, लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, पिछली रात को बहुत गर्मी थी, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, और लेकिन इसके पहले लास्ट नाइट आपको लगा देना चाहिए, तो लास्ट नाइट के बाद कामा भी लगा सकते हो, फिर आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, इतना पूरा लिख दीजिए, पिछली रात को मैं अच्छी नींद नहीं ले सका, साउंड स्लीप माने होता अच्छी नींद, ठीक, गहरी नींद भी कह सकते, साउंड स्लीप माने साउंड में से आवाज़ ना खर्राटा बजा के सोना, यानी कि गहरी नींद लेना। लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, फिर बिकॉज लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कारण प्रकट हो रहा, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ट, ये ही लास्ट में उठा के ले जाके कर दें, यानी इट वॉज वेरी हार्ट को स्लीप, ठीक है, स्लीप के बाद बिकॉज लगा के जोड़ देना, बाकी जो जहाँ है वहाँ रहने दो, ठीक। अगला है ही केम टू माई फादर हु ही वेलकम्ड हिम वार्मली, तो यहाँ क्या हुआ, मेरे पिता के पास, यहाँ फादर के बाद आप हु लगा दीजिए कोष्ठक में, लेकिन एंड ही कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए कहा गया, वह मेरे पिता के पास आया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किए, एंड ही वेलकम्ड हिम वार्मली, इस तरह से हो जाएगा। ये वाक्य जो है उसमें भी आपका आया था, कंप्रहेंशन वाले जो मैं एक्सरसाइज कराया हूँ उन सभी में भी इसमें से काफ़ी वाक्य आए हैं, ये भी आया था। वार्मली मीन्स होता है गर्मजोशी से, मतलब वह मेरे पिता के पास आया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किए, इस तरह से हिंदी आ रही है, इसलिए हु से जोड़ेंगे, जो मतलब एंड ही और वह, ठीक, क्योंकि कंपाउंड में जब हु लगता है तो कोष्ठक में एंड ही या एंड दे एंड सी जो भी सब्जेक्ट रहता है उसका एंड साथ लिख दिया जाता है, क्लियर, कंटिन्यूटी सेंस में प्रयोग हो रहा है। अगला ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो वाज हटा के बींग कर दीजिए, ही बींग एब्सेंट हो जाएगा, उसके अनुपस्थित होने के नाते फिर कामा कर देंगे, अगला वाक्य जो कहते हैं लिख देंगे, मैं उसके पत्नी को संदेश दे दिया, किसी को कोई बात बताने गया है तो वो नहीं है तो उसकी वाइफ को ही बता के चलाया कि ऐसी ऐसी खबर है, उनसे बता देना बाद में, नहीं है तो ठीक। हाँ देखिए, ही बींग एबसेंट कामा आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, ये वाक्य जो है इसमें दो सब्जेक्ट थे, दोनों अलग अलग थे, तो इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं, इसलिए वाज को केवल बींग में करेंगे, बाकी सब अपनी जगह रहेंगे, कामा लगा कर अगला वाक्य लिखेंगे, ठीक। अगला वाक्य जो है, सुजीत वेंट टू आगरा, सुजीत आगरा गया, ही वांट्स टू सी द ताज महल,
तो सुजीत वेंट टू आगरा, ही वांट्स टू सी, इसको सिंपल बनाना है तो आगरा के बाद ही वांट्स हटा दीजिए, बस बाकी सब अपनी जगह रहेंगे। सुजीत वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, इन्फिनिटिव बन जाएगा, सुजीत ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। अगला वाक्य आपका है द बेबी वाज क्राइंग, लड़का चिल्ला रहा था, द बेबी वाज वांटेड फूड, बच्चा जो है भोजन चाहता था, बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चा भोजन चाहता था। इसको बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे तो चिल्ला रहा था उसका रीजन बताया जा रहा है, कारण, ठीक, आप कारण के हिसाब से बना सकते हो, परिणाम के भी हिसाब से बना सकते हो। आप इसको ज़्यादा बेटर यही पड़ेगा, बच्चा भोजन चाहता था इसीलिए वह चिल्ला रहा था, तो आप पहले दूसरे वाक्य करेंगे द बेबी वांटेड फूड, सो लगा दीजिए या देयर फोर लगा दीजिए, सो ही वाज क्राइंग, दो बार बेबी मत लिखिए, एक बार ही लिख दीजिए, सो ही वाज क्राइंग, बच्चा भोजन चाहता था इसीलिए वह क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, ठीक। अगर बाई चांस पहले लिख दिए हो द बेबी वाज क्राइंग, तब आप हार ही वांटेड फूड भी कर सकते हो, ठीक। अब बेबी अगर क्लियर नहीं हो कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, तो आप उसके लिए इट का भी प्रयोग कर सकते हो, इट वाज क्राइंग भी कर सकते हो, द बेबी वांटेड फूड भी, सो इट वाज क्राइंग, इट भी लग जाता है, इट का प्रयोग तब होता है जब जेंडर क्लियर ना हो कि लड़का है कि लड़की, तो इट भी सही है, गलत नहीं है, जब कन्फर्म नहीं है कि हाँ लड़का है कि लड़की, तो इसलिए आप इट लगा दो बेटर होगा। गीता इज़ ब्यूटीफुल, गीता सुंदर है, सी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वह सौंदर्य की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। कंपाउंड बनाना है सी, हाँ गीता सुंदर है, ठीक, इसीलिए भी तो कह सकते हो, इसीलिए भी तो, क्योंकि तो विकास तो लगता नहीं है, फार से भले बना सकते हो, तो गीता सुंदर है इसीलिए वह सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, भाई सुंदर है तो सोच रहे कि भाग ले ही ले, हो सकता है हम अवार्ड मिल ही जाए हमको, तो आप यहाँ सो लगा दीजिए, सो से जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। अगला तो मोहित मेट विथ एन एक्सीडेंट, मोहित के साथ एक दुर्घटना हो गई, ही मिस्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा को मिस माने छोड़ दिया। अब इसमें आराम से आप कह सकते हो मोहित मिस्ड, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको कॉम्प्लेक्स में कारण बताना पड़ेगा, ऐसे बताओ आप मोहित मिस्ड द एग्जामिनेशन, ही की जगह मोहित पहले कर दो, मोहित परीक्षा को छोड़ दिया, तब उसके बाद लगेगा बिकॉज, क्योंकि उसके बाद फिर मोहित एक बार लिख दिया तब की बार ही लिख दोगे, ही उसके बाद लिखोगे मेट विथ एन एक्सीडेंट, मोहित परीक्षा छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। इस तरह से ये आपको कंप्लीट हुआ 2018 के सभी सेट्स, इसके बाद आपको 2019 के सेट बताए जाएंगे।